हेलो एंड वेलकम टू दी चैनल। आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 के साथ। क्वेश्चन 90 तक हम प्रीवियस 3 वीडियोस में कवर कर चुके हैं एंड वी आर डूइंग दी एनालिसिस ऑफ BHUMA इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम 2020। वेलकम टू माय चैनल। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अटर्ड विद द फॉलिंग टोन। तो फॉलिंग टोन पहले हमें समझना पड़ेगा या फॉलिंग इंटोनेशन। फॉलिंग इंटोनेशन मतलब पिच ऑफ द वॉइस फॉल्स एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। फॉलिंग टोन, फॉलिंग इंटोनेशन बहुत ही कॉमन है इंग्लिश पैटर्न स्पीकिंग में एंड इट इज कॉमनली फाउंड इन स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स में पाया जाता है, कमांड्स में पाया जाता है और WH क्वेश्चन में पाया जाता है। WH क्वेश्चन जिसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो स्टेटमेंट में होता है यस, WH क्वेश्चन में होता है येस और कमांड्स में होता है फॉलोइंग इंटोनेशन। किस में नहीं होता? दैट बिकम्स आवर आंसर, दैट इज पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट एक्चुअली कॉम्बिनेशन है फॉल और राइज का। जैसे कि हम किसी को कहते हैं परहैप्स वी कुड विजिट दिस प्लेस, तो हम एक पोलाइट रिक्वेस्ट करें लेकिन हमारा टोन पहले फॉल होता है और फिर राइज होता है। तो जब भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं कोई, तो उसमें फॉल प्लस राइज का टोन आता है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, डू यू थिंक दिस इज अलाउड। तो जब हमने डू यू थिंक बोला तो हमारा इंटोनेशन थोड़ा सा फॉल हुआ, जब हमने अलाउड बोला तो वो राइज हुआ। तो पोलाइट रिक्वेस्ट बिकम्स द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें यहाँ पर कुछ मैच करना है। तो let us see the first option, the blood dimmed tide. This line has been taken from Second Coming by W.B. Yeats. Next is tameless and swift and proud. This has been taken from Ode to the West Wind by P.B. Shelley. तो इसको हम Ode to West Wind के साथ कनेक्ट कर देते हैं। Next one, Fra Pendol's hand. ये लिया गया है My Last Duchess से, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग का है। एंड द लास्ट वन टेनिसन्स पोइट्री टिथुनस से लिया गया है, ग्लीमिंग हिल्स ऑफ मॉन। दिस इज फ्रॉम टेनिसन्स पोइट्री टिथुनस। सो ऑप्शन नंबर 1 बिकम्स द राइट आंसर। अब बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुलिवर्स ट्रेवल से लिया गया है ये क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है किसी भी लिटरेचर स्टूडेंट के लिए। एंड द क्वेश्चन इज, फ्लिमनैप का कैरेक्टर कौन सी पॉलिटिकल फिगर को रिप्रेजेंट करता है। द करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट वॉलपोल। फ्लिमनैप एक ट्रेजरर है लिलीपुट में, बहुत ही ग्रीडी है, सेल्फिश है, क्राफ्टी मैन है, तरीके तरीके के प्लॉट्स बनाता रहता है। एंड हिज हेट फॉर गुलिवर इज बेस्ड ऑन एन एब्सर्ड रूमर। ही बिलीव्स दैट इन द कोर्ट गुलिवर इज हैविंग एन अफेयर विद हिज वाइफ एंड हाउ एवर अ लव रिलेशन इज इम्पॉसिबल बिटवीन 6 feet tall man and 6-inch tall women. This is completely absurd and the readers understand this absurdity and see that Flimnap actually wants to be emperor's फेवरेट। तो फ्लिमनैप को इक्वल किया गया रॉबर्ट वॉलपोल के साथ। रॉबर्ट वॉलपोल जो कि एक विग, एक पॉलिटिकल पार्टी थी विग, उसके लीडर थे हु फेल आउट ऑफ पावर इन 1717। तो फ्लिमनैप का कैरेक्टर रॉबर्ट वॉलपोल को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट्स इन हिज ऑड टू द नाइटिंगेल इज हाफ इन लव विद समथिंग, व्हाट इज दैट। द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, डेथ That comes with ease. Ode to Nightingale में स्पीकर विश करता है to be like Nightingale because it has no worry, no concept of mortality. Ode to Nightingale आपको मैं बता दूं कि 1819 की एक पोइट्री है कीट्स के द्वारा लिखी गई। एंड इसमें एक एवोकेटिव लाइन है, half in love with easeful death. एंड ईजफुल डेथ चाहता है शायद हमारा ऑथर भी, क्योंकि हम लोगों के पास हमेशा ये कंसेप्ट होता है ना कि वन डे वी विल डाई, लेकिन मे बी Nightingale is not having any such concept. So half in love with easeful death is taken from his Ode to Nightingale. It depicts his half love with easy death. Next question is a piece of cake for many of the students जिन्होंने शेक्सपियर अच्छे से पढ़ा है. In Macbeth, who was untimely ripped off from his mother's womb? The correct answer is Macduff. Macduff was from his mother's womb untimely ripped, and this is to say that he was not born from his mother through a natural process, but was taken out by a C-section, जिसको हम cesarean surgery कहते हैं, कुछ उस तरीके के C-section के through he was ripped out from mother's womb. Next question. Which among the following was the first novel of D.H. Lawrence? The correct answer is option number 3, The White Peacock. डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, जिनको D.H. लॉरेंस के नाम से भी बुलाया जाता है, पॉपुलरली एक इंग्लिश राइटर थे, पोएट थे, और उनकी राइटिंग्स में काफ़ी सारे इश्यूज होते थे जैसे कि सेक्सुअलिटी, इमोशनल हेल्थ, वाइटालिटी, स्पॉन्टेनिटी एंड इनर इंस्टिंक्ट. उनका फर्स्ट पब्लिश नॉवल था द वाइट पीकॉक, जो कि पब्लिश हुआ था 1910 में. Next question, Never at Home is an autobiography written by which of the following writers? The correct answer is option number 1. Never at Home, the story of Dom Moraes' extraordinary life, and it begins with the death of his mother. इनका पूरा नाम था डोमिनिक फ्रांसिस मॉरिस, जो कि एक इंडियन राइटर थे, पोएट थे, and who published nearly 30 books in English language, and he is very clearly, very widely seen as a foundational figure in Indian English literature. Next question, who considered 3 or 4 families in a country village as an ideal subject for novel? 3 or 4 families in a country village is the very thing to work on, and this concept was mostly used by Jane Austen in her novel. So option number 3 becomes the right answer. Next question, the ritual called Skimity Ride in Mayor of Casterbridge aims at which of the following? The correct answer is option number 1, ridiculing the husband's weakness. Next question, Shakespeare's famous play Antony and Cleopatra was imitated by Dryden in which of the following texts? The correct answer is All for Love. All for Love, जिसका alternate name था World Well Lost, ये भी आप याद रखिएगा, वर्ल्ड वेल लॉस्ट 1677 का एक हीरोइक ड्रामा है जिसको जॉन ड्राइडन ने लिखा था, और काफ़ी अच्छा वेल नोन प्ले है एंड मोस्ट परफॉर्म प्ले ऑल्सो बाय रिटन बाय हिम, एंड इट इज़ अ ट्रेजिडी रिटन इन ब्लैंक वर्स, ये भी आप याद रखिए ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी, एंड इट इज़ एन एक्नॉलेज्ड, यू कैन से ऑफिशियल इमिटेशन ऑफ शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ वॉर पोएट? तो सबसे पहले तो समझते हैं वॉर पोएट क्या होता है, और आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक. वॉर पोएट एक ऐसा पोएट होता है जो वॉर में पार्टिसिपेट करता है और उसके बारे में लिखता है, और स्पेसिफिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये जोनरे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था. इन सब राइटर्स में से एसी स्विनबर्न एक ऐसे पोएट हैं जो कि वॉर पोएट नहीं है. ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, प्ले राइट, नॉवलिस्ट, क्रिटिक, एंड वी कैनॉट कंसिडर हिम एज अ वॉर पोएट. अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. लेट अस सी विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड नॉट हैपन इन 1939. प्लीज नॉट पर ध्यान दीजिएगा अच्छे से. डेथ ऑफ W.B. यीट्स तो 28 जनवरी 1939 में ही हुआ था, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर. वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी 1939 में और एंड हुई थी 45 में, दिस कैन नॉट बी द आंसर. नेक्स्ट इज पब्लिकेशन ऑफ ग्रीनीज नॉवल द कॉन्फिडेंशियल एजेंट, दिस वॉज पब्लिश्ड इन 1939 इटसेल्फ, काफ़ी फेमस थ्रिलर नॉवल है. पब्लिकेशन ऑफ ऑस्बॉर्न्स द एंटरटेनर, जो कि हुआ था 1957 में, तो दिस बिकम्स द राइट आंसर. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम शेक्सपियर के कुछ प्लेस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे. शुरुआत से ही देखते हैं. ट्वेल्थ नाइट 1601, मैकबेथ 1606, टेम्पेस्ट 1611 एंड द कॉमेडी ऑफ एरर्स 1594. हेंस द करेक्ट आंसर बिकम्स D A B C. तो इसके हिसाब से सबसे पहले कॉमेडी ऑफ एरर्स, उसके बाद ट्वेल्थ नाइट, उसके बाद मैकबेथ और सबसे लास्ट में टेम्पेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर 2019. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. पीटर हैंडके, ऑस्ट्रियन प्ले राइट एंड नॉवलिस्ट, वॉज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर 2019. Next question is, who among the following authors primarily deals with immigrant experience? The correct answer is Bharati Mukherjee. Bharati Mukherjee, जो कि एक इंडियन बॉर्न अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं, साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं और उनका वर्क बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है इंडियन कल्चर को और इमिग्रेंट एक्सपीरियंस को. शी वॉज द ऑथर ऑफ द नंबर ऑफ नॉवेल्स एंड नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस एज वेल एज वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट्स इज नॉट रिटन बाय V.S. नायपॉल. यहाँ भी आप नॉट पर ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बस V.S. नायपॉल देखा और कोई एक नॉवल यहाँ से देख लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास, और एकदम से टिक करके आ गए. आपको नॉट पर ध्यान देना है कौन सा उनके द्वारा लिखा गया नहीं है. द करेक्ट आंसर इज अ फाइन बैलेंस. आप में से कई लोग जानते होंगे अ फाइन बैलेंस इज दी सेकेंड नॉवल बाय रोहिंटन मिस्त्री, और रोहिंटन मिस्त्री की फर्स्ट डेब्यू नॉवल थी सच अ लॉन्ग जर्नी. तो रोहिंटन मिस्त्री का लिखा हुआ है अ फाइन बैलेंस एंड इट इज सेट इन एन unidentified city in India, initially in 1975 and later in 1984 during the turmoil of emergency. तो आपको मे बी अ फाइन बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एग्जाम में, तो आप आराम से आंसर कर पाएंगे. 1975 और 84 का टाइम दिखाया गया, इमरजेंसी टाइम पीरियड को दिखाया गया. फाइन बैलेंस में लिखा गया है बाय रोहिंटन मिस्त्री, जिनका सेकेंड नॉवल था और इन्हीं का फर्स्ट नॉवल था सच ए लॉन्ग जर्नी. Next question, which group of sounds among the following contains all the nasal sound जो हमारी नाक से निकलते हैं, and these sounds are from this group M, N, 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 G. तो म, न और जैसे हम सिंग में एक साथ N और G को बोलते हैं, उस तरीके के साउंड्स हमारी नोज से निकलते हैं. वेन एवर यू से एनी थिंग, इफ यू से माइन, इफ यू से नो, इफ यू से सिंग, तो इस तरीके के साउंड्स हमारी नोज से बाहर आते हैं. ऑप्शन नंबर 1 बिकम्स द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अर्नॉल्ड व्हाट आर द 3 एस्टिमेट्स ऑफ पोएट्री. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 हिस्टोरिकल, रियल एंड पर्सनल. मैथ्यू आर्नल्ड का एक क्रिटिकल एसे है अ स्टडी ऑफ पोएट्री, एंड इन दिस एसे आर्नल्ड क्रिटिसाइजेस द आर्ट ऑफ पोएट्री एज वेल एज आर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म. द पर्सनल एस्टिमेट, द हिस्टोरिक एस्टिमेट एंड द रियल एस्टिमेट. 3 एस्टिमेट्स बाय मैथ्यू आर्नल्ड सेज दैट when one reads poetry, when somebody reads poetry, he tends to estimate whether it is of the best form or not, and he tells about 3 kinds of estimate, and these estimates are related to poetry and its reading. तो एक person इन 3 estimates को अपने दिमाग में रखता है while reading poetry: the personal estimate, the historic estimate, and the real estimate. इस क्वेश्चन में हमें इन्वोकेशन इस वर्ड के सिलेबल्स देखने हैं, तो सिलेबल्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं. इन वो के शन, तो कितने सिलेबल्स हो गए यहाँ पर? 4 सिलेबल्स हो गए, एंड ऑप्शन नंबर 2 बिकम्स द राइट आंसर. इन वो के शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेंट सिस्टम ऑफ प्राइमरी कार्डिनल वॉवेल्स was systemized by which of the following. The correct answer is Daniel Jones. The current system was systemized by Daniel Jones in early 20th century. Next question, who among the following is not a couple from the Merchant of Venice. The correct answer is Claudio and Hero. Claudio and Hero are 2 central characters in William Shakespeare's Much Ado About Nothing. Next question, Ernest Hemingway dedicated his famous work Old Man and the Sea to which of the following. The correct answer is option number 3. The Old Man and the Sea is a short novel written by American author Ernest Hemingway in 1951, and it was published in 1952. The book dedicated to Charles Scribner and to Hemingway's literary editor Max Perkins. Next question, when the back of the tongue articulates with the soft palate, we get which of the following. The correct answer is velar sound. The back of the tongue articulates with the soft palate while speaking velar sounds. Next question, there are dash inflectional morphemes in English. The correct answer is option number 1, which is 8. There are 8 inflectional morphemes in English, and they are all suffixes. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग द ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर स्ट्रेस्ड. मृणाल हैज रिटर्न फ्रॉम द ट्रिप. स्ट्रेस एक बहुत ही गोल्डन की है फॉर स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, एंड विद सेंटेंस स्ट्रेस सम वर्ड्स इन अ सेंटेंस आर स्ट्रेस्ड, दैट मीन्स लाउड, एंड सम वर्ड्स आर वीक. इन दिस सेंटेंस ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. Next question, according to I.A. Richards, which of the following are the 4 aspects of meaning? The correct answer is option number 4. I.A. Richards जो कि एक English educator थे, literary critic थे, rhetorician थे, उन्होंने बताया कि there are 4 kinds of function or meaning as enlisted by him, and these are sense, feeling, tone and intention. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो डायसपोरा लिटरेचर के बारे में. पहले हम इस टर्म को भी समझेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्कर ऑफ डायसपोरा लिटरेचर. तो डायसपोरिक लिटरेचर बेसिकली एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है, एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल लिटरेरी वर्क रिटन बाय दोज काइंड ऑफ ऑथर्स हु हैव सेटल्ड इन द आउटसाइड कंट्रीज ऑफ देयर नेटिव कंट्रीज एंड हैव रिटन ऑन द culture, tradition, rituals of their homeland, and in this concept all those writers are called diasporic writer. जो writers बाहर चले जाते हैं और उसके बाद Indian culture के बारे में थोड़ा सा nostalgic होकर लिखते हैं, basically that is what we put under this category, diasporic writers. It highlights the concept of hybridity, mimicry, nostalgia for a lost home of course, and disillusionment of expatriation, fragmentation of the self, of the others, exuberance of immigration, assimilation, cultural translation, cultural background, किस तरीके से वो लोग वहाँ के culture के साथ negotiate करते हैं. And through the selected novels of the writers, it examines the feeling of रूटलेसनेस कि अपनी जड़ों से उखड़ गए हैं, एलियनेशन, वहां जाकर एलियनेट फील करते हैं. बट इट जनरली डज नॉट टॉक अबाउट अनटचेबिलिटी विच बिकम्स द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन टीएस इलियट और उनकी एक बहुत ही फेमस पोइट्री के बारे में है, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रॉफ्रॉक, और आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट दिस पोइट्री. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. The poem is a romantic poem. ये option गलत है. Love song of J. Alfred Prufrock does not carry the romantic poetry features, and rest all is present there. Next question. Raja Rao's Kanthapura is narrated in the form of option number 3, Sthala Purana. In this novel, Raja Rao makes the narrative in the form of Sthal Purana, and an old lady is the narrator of the story. Raja Rao's Kanthapura is based on the patterns of Ramayana, the way in which Ramayana is narrated by Rishi Valmiki, and the same way Achakka is the narrator and commentator of this poetry, and this has been told in form of Sthala Purana. एक जगह की स्टोरी सुनाई जाती है, एक पर्टिकुलर प्लेस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट और ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल स्थल पुराना. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिलेटेड है ऑड टू नाइटिंगेल से, तो देखिए ये पोइट्री आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती है. आइए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट कीट्स ऑड टू नाइटिंगेल. यहाँ पर भी आप प्लीज नॉट पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा. ओके, द पोम इज हिज meditation on poetic experiences. The poem attempts to conceptualize a reconciliation of beauty and permanence. The poem adheres to classic decorum, and the poem is considered a conflict between fancy and imagination. तो थोड़ा जानते हैं इस पोइट्री के बारे में. ये एक पर्सनल पोइट्री है जिसमें कीट ने काफ़ी कुछ डिस्क्राइब किया है अबाउट दी नेगेटिव कैपेबिलिटी, अबाउट द टोन ऑफ द पोइट्री विच रिजेक्ट्स द ऑप्टिमिज्म pursuit of pleasure found within Keats' earlier poetry. और ये पोइट्री एक तरीके से मेडिटेट करती है अबाउट दी थीम ऑफ नेचर, थीम ऑफ मोर्टालिटी, थीम ऑफ लाइफ, थीम ऑफ डेथ, जिसको कि पब्लिश किया गया था 1819 में. बट इस पोइट्री में हमें कहीं भी कोई कन्फ्लिक्ट नहीं मिलता है बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन. तो ऑप्शन नंबर 4 बिकम्स द राइट आंसर. सो here I end this video, and I have given a link in description जिसमें बाकी सभी वीडियोस भी हैं, इसके प्रीवियस 3 वीडियोस का लिंक है। और आप हमारी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में ही दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग आवर वीडियोस। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम दैट यू अपीयर इन योर लाइफ।